हेलो स्टूडेंट्स। सो ये जो एग्ज़ाम हुई है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 28 जुलाई को, उसका ये सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड फॉर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज़। हमें करंट दिया है, करंट इज़ गिवन एज 2 एम्पियर एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें पूछे हैं। हमें फार्मूला पता है, आई इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज़ क्यू बाई टी, एंड वी कैन राइट क्यू एज एन ई, सो दिस इज़ एन ई बाई टी। सो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ से हम आ जाएगा, आई इज़ इक्वल्स टू एन ई बाई टी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई इज़ इक्वल्स टू एन, ई इज़ नथिंग बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई, आई कितना गिवन है, दैट इज़ 2 पर सेकेंड पूछा है, तो टाइम विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹। If you solve this, you should get 1.25 × 10⁻¹⁹ as the number of electrons. ठीक है, सो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एज वी हैव डिस्कस्ड, आफ्टर डेरिवेशन यू कम टू द कंक्लूजन दैट दिस जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इन टू ए, वेयर जे इज, वॉट इज जे, इट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ठीक है, सो द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म इज जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन द सेकेंड क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू द डबल इट्स लेंथ, देन दिस रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस विल बिकम। सो दिस वॉज द वायर फर्स्ट, उसका हमने स्ट्रेच किया जिसका रेजिस्टेंस आर था, जिसकी लेंथ एल थी और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था। इसको हमने क्या किया, इसकी लेंथ डबल की, सो इसकी लेंथ हमने डबल की, सो दिस बिकम्स 2L। इसका एरिया हो जाएगा ए डैश, ऑब्वियसली एरिया रिड्यूस हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्यों, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, डायमेंशन के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। नाउ लेट्स कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इन दिस केस रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अभी यहाँ पे हमने इसकी लेंथ हो गई है 2L, सो वी नीड टू कैलकुलेट कि एरिया कितना कम हो गया है। इन दोनों सिचुएशन में वॉल्यूम जितना पहले था, वॉल्यूम यहाँ पे था, वही वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा, वॉल्यूम विल नॉट चेंज, एरिया लेंथ चेंज होंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो वी विल से वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ एल वन बिफोर एंड आफ्टर ए टू एल टू, वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, पहले एरिया हमने ए लिया था, लेंथ एल थी, बाद में एरिया ए डैश हमने सिंबल यूज किया, लेंथ कितनी होगी हमारी 2L, एल और एल चला जाएगा, ए डैश मुझे मिल जाएगा, दैट इज ए बाई टू। सो आई गॉट द एरिया विच इज हाफ, एरिया हाफ हो जाएगा जब लेंथ क्या करेंगे हम, लेंथ को डबल कर देंगे। ठीक है, सो मेरा आर डैश हो जाएगा, रो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेंथ को कितना किया मैंने 2L किया, एरिया को कितना किया हाफ हो गया एरिया, तो ये जो रेजिस्टिविटी होगी, आई विल राइट इट हियर, आर डैश विल बी इक्वल्स टू रो एल बाय ए इंटू 4, रो एल बाय ए इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस, सो दिस इज 4 × R, सो द न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 4 times द ओरिजिनल रेजिस्टेंस व्हेन यू स्ट्रेच द लेंथ 2 times, एरिया बिकम्स हाफ बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड द टेम्परेचर। सो इसका आंसर सही होगा, रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द रेजिस्टेंस चेंजेस 4 times, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर विथ टेम्परेचर। सो सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है, सेमी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो रेजिस्टिविटी फॉर सेमी कंडक्टर, रिमेंबर गाइज, डिक्रीजेस वेन यू टेम्परेचर इंक्रीज, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन।
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन डबल हो गया है, जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था उसका ही ये डबल हो गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। द सेम क्वेश्चन, द लेंथ इंक्रीज हो गई और रेजिस्टिविटी कितनी होगी वो पूछा है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टिविटी रिमेंस अनचेंज्ड एंड रेजिस्टेंस एज वी हैव सीन इट बिकम्स 4 times। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इन दिस क्वेश्चन टू कॉपर वायर हैव देयर मासेस इन द रेशो 2:3 एंड द लेंथ इन द रेशो 3:4, देन द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। ओके, सो हमें पूछा है, गिवन है पहले M1/M2 इज इक्वल्स टू 2/3 एंड L1/L2 इज गिवन एज 3/4। हमें पूछा है रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा जब मासेस का और लेंथ का रेशो इतना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अभी इस फॉर्मूला में हमें मास का और रेजिस्टेंस का रिलेशन चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, पहले तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो हम लिखते हैं फॉर एरिया को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वॉल्यूम अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू एल, क्योंकि हमें लेंथ का रेशो चाहिए। सो विल सब्स्टिट्यूट फॉर लेंथ, नो विल सब्स्टिट्यूट फॉर एरिया। सो विल राइट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। सो फॉर एरिया विल राइट वॉल्यूम अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया ए। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये रो एल अपॉन ए को लिखेंगे, वॉल्यूम अपॉन लेंथ एल, रिलेशन हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम वी, ठीक। ओके, नाउ वी रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर मास, लेंथ तो आ गई, हम मास का रिलेशन चाहिए। वी नो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो फॉर वॉल्यूम यू विल सब्स्टिट्यूट मास अपॉन डेंसिटी। सो हमने दो सब्स्टिट्यूशन किए फॉर्मूला के अंदर, पहला एरिया का सब्स्टिट्यूशन एज वॉल्यूम अपॉन लेंथ, फिर हम वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट करेंगे मास अपॉन डेंसिटी इन द फॉर्मूला हियर। इस फॉर्मूला के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल राइट आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन, वॉल्यूम को लिखूंगा मैं, मास इंटू डेंसिटी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। नाउ हियर यू कैन से रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फॉर गिवन कॉन्फिगरेशन। सो कैन आई से R1/R2 इज इक्वल्स टू, नाउ इट इज L1/L2 इंटू इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सो इट इज M2/M1। यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, यू विल गेट द आंसर 27:32 विच इज ऑप्शन ए। ऑल राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन अ VI ग्राफ ऑफ मेटेलिक वायर फॉर डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, द टेम्परेचर T1 एंड T2 का रिलेशन क्या होगा ये पूछा है। एज वी नो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर मेटल्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ठीक है। और हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR, R इज इक्वल्स टू क्या होगा V/I। सो V/I इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। एज यू कैन से V/I इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ विच इज रेजिस्टेंस, ओके, एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, राइट। सो मोर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे स्लोप विल बी मोर इज द स्लोप, मोर इज रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, यू कैन सी T1 का स्लोप ज़्यादा है कंपेयर टू T2, सो आई कैन से T1 इज ग्रेटर देन T2 विच इज ऑप्शन बी। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ, ओहम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एज वी नो R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, सो R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू रो। इसका अगर यूनिट देखेंगे ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, सो ओहम इंटू मीटर इज द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कट कर देते हैं, द सेकेंड क्वेश्चन हियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम्स इन टू द पिक्चर वेन यू सप्लाई द एक्सटर्नल एनर्जी टू द कंडक्टर विच इज ऑफ द ऑर्डर 10^-3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एज वी ऑलरेडी डिस्कस फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और द कोर फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ विच डिराइव्स फ्रॉम
this J is equals to sigma into E, where J is the current density, sigma is the conductivity, E is the electric field. Now in this question, which of the following characteristics of electron determines the current in the current in the conductor? So answer kya hoga? So more is the drift velocity, more is the current. As we know, in a conductor, in a given conductor, if you supply the external battery or external source, then only electron starts moving in a particular direction, which define or governs by drift velocity only. Thermal velocity will not produce any current, right? So option only left is drift velocity alone. Moving to the next question. In this question, resistance connected to a battery is heated due to current through it. The quantity which remains constant is. So when you supply the external battery, when you supply the energy through this external battery, due to flow of electrons, more is the flow of electron, temperature will increase. So resistance will affect, because resistance depends upon the temperature. Okay, right. So the quantity which remains constant, drift velocity will also change because resistance is changing, so there will be obstacle to flow the current. Resistivity, which depends upon temperature, and here temperature is changing, so yes, resistivity also change. What remains the same? The number of free electrons. Whatever the number of free electrons before available inside the conductor will remains the constant. So the option fourth will be the correct, that is number of free electrons will not be changed. Now to this question, in this question, if the resistance of a wire at 50 degrees Celsius is 5 ohm and 100 degrees Celsius is 6 ohm, then the resistance of that wire at 0 degrees Celsius. So already we know RT is equals to R naught 1 plus alpha delta T is the formula, which temperature and the resistance relation. Yahan se hum alpha nikal lete, you change the temperature, resistance change, but jo alpha hai, that is coefficient of resistance, will not change. So I will write RT upon R naught minus 1 is equals to alpha T. If you simplify this, it will become RT minus R naught divided by ye delta T chahiye, divided by R naught into delta T. ये हमारा अल्फा रहेगा. सो हमें दो टेम्परेचर गिवन है, एक 50 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम है और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे 6 ओम है. सो विल कंपेयर दिस, वी विल से आर टी एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज 5 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इन टू दिस विल बिकम 50 माइनस 0 इज इक्वल्स टू अनदर सिचुएशन को भी कंपेयर कर लेते हैं. So RT for here, it will be 100 minus R naught divided by R naught into 100 minus 0. ठीक है, by solving this equation, you will get R naught, which is equals to 4 ohm. ठीक है, so here the option D is correct. Moving to the next question. So two copper wire of area of cross section A and 2A and length 2L and L respectively, then the ratio of their conductivity. So as we know, conductivity and resistivity both depends on material and temperature. ठीक है, and it does not depends on dimensions of this wire. So you change the dimension, but the same material for the copper and the given temperature, resistivity and conductivity will not change. Hence the option D is correct here. Next question. The mobility of free electron does not depends upon. Mobility of free electron does not depends upon. So again, mobility depends upon material and temperature. This is the property which depends upon material and temperature. Okay, so it will not depend neither on drift nor on this dimension, not electric field. So it does not depends upon all of this. Inke upar depend nahi karta hai, to option 4 will be the correct. Next question, yahan pe dekhte hain, yahan pe kya diya hai. For a given configuration, drift speed of electron at cross section 1, 2 and 3 are V1. Yahan pe drift velocity V1 hai, drift velocity V2 yahan pe, aur drift velocity V3 yahan pe.
देन हमें कंपेयर करना है कहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी. वी नो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी सफिक्स डी, एन बीइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई बीइंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए बीइंग द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वी डी बीइंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो आई विल से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए. करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एन एंड ई आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. हैंस लेस इज द एरिया, मोर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो सबसे छोटा एरिया किसका है, वी टू छोटा है, उसके बाद वी वन एंड देन वी थ्री. सो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे एल्यूमिनियम हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन यहाँ पे दिया है, एट अ रूम टेम्परेचर फाइन. एन एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10^-3 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया मिल गया हमें. एंड कैरिंग अ करंट, करंट मिल गया यहाँ से, करंट आई. हमें पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो यूजिंग द फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी सफिक्स डी, हमें चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए. आई कितना दिया है, दिस इज गिवन एज 1.8 एम्पियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2.7 × 10^29 मीटर पर मीटर क्यूब इंटू 1.6 × 10^-19 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज 10^-3. यू सॉल्व दिस यू गेट द आंसर 4.2 × 10^-8 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन हियर द करेक्ट इज ऑप्शन बी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज वी, वेयर अ करंट आई इज फ्लोइंग इन इट. इफ बोथ द रेडियस एंड द करंट इज डबल देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम. सो यहाँ पे गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी, वी बीइंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके. करंट आई है इसके अंदर, करंट आई इज फ्लोइंग. देन बोथ द रेडियस, पहले तो रेडियस आर थी, इसको हमने 2R कर दिया, डबल कर दिया. एंड करंट पहले आई था, इसको हमने 2I कर दिया. हमें पूछा है देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाद में कितनी होगी. सो वी डैश कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना. सो वी ऑलरेडी नो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी सफिक्स डी. यहाँ पे एन और ई तो कांस्टेंट रहेंगे बिकॉज फॉर अ गिवन कॉन्फिगरेशन दिस विल रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके. सो वी वांट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अपॉन एरिया. सो वी कैन से रिलेटिंग दिस वी डी वन अपॉन वी डी टू इज इक्वल्स टू आई वन अपॉन आई टू इंटू ए टू अपॉन ए टू अपॉन ए वन. सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज. सो हमें मिल जाएगा आई वन कितना है आई, आई टू कितना है टू आई इंटू एरिया कितना किया हमने, रेडियस डबल किया मतलब एरिया भी, एरिया दिया था या व्हाट दिया वास्ट, ठीक है. सो वी विल से रेडियस एरिया यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर टू, रेडियस डबल किया सो 4R स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कैंसिल, आई आई कैंसिल, दिस बिकम्स 4/2 दैट इज 2, ठीक है. सो हमें मिला वी डी वन अपॉन वी डी टू इज इक्वल्स टू 2, वी डी टू दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आफ्टर विल बिकम्स वी डी वन अपॉन 2, सो दैट इज वी बाई 2. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेडी करंट फ्लो इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, द क्वांटिटी आर क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एन आर, ठीक है. सो क्या कॉन्स्टेंट होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ऐसा छोटा चेंज हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म वायर अगर कंसिडर करते हैं, वॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द जर्नी इज द करंट. जो कॉन्स्टेंट होता है वो क्या है, करंट होता है, राइट. और बाकी के जो है करंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट तो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट स्पीड विल चेंज बिकॉज ड्रिफ्ट स्पीड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर. सो ओनली थिंग इज कॉन्स्टेंट वाइल वेरिंग द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ इज करंट, ओके. सो इन दिस क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज द रिलेशन. सो हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन फाइंड आउट करना है. As we know from the derivation, drift velocity is equals to E by M into V by L into tau.
ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो पोटेंशियल ग्रेडियंट वी बाय एल इज इक्वल्स टू ई, सो वी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई इंटू एल. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई बाय एम इंटू ई एल अपॉन एल इंटू टाउ, ये कैंसल. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आंसर वन इज द करेक्ट. ओके, थैंक यू.